दोस्तों फाइनेंस के मोबाइल फोन के स्क्रीन पर तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिए। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों मैं बात करने वाला आज पीएमई इंडिया एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन को अपने हमने फोन में इंस्टॉल कर लिया कि यहाँ पर कुछ परमिशन देना होगा। सबसे पहले यहाँ पर मोबाइल नंबर के साथ यहाँ पर हम लॉग इन कर लेते हैं। सारे प्रोसेस आपको बताने वाले हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। मोबाइल नंबर दिया गया है, यहाँ पर ऑटोमेटिक ओटीपी कोड फैच कर लेता है या फिर मैनुअल तरीके से फिलअप करिए और नीचे से कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक करिए। ये एप्लीकेशन का कुछ इस तरह का इंटरफेस। सबसे पहले आपको यहाँ पर परमिशन सारे दे देने होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विदाउट इनकम प्रूफ आप लोन ले सकते हैं मैक्सिमम 25,000 रुपये। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 से 4 मिनट का प्रोसेसिंग लगेगा और 3 महीने का समय मैक्सिमम आपको लोन पीरियड मिलता है। जो कि फिलहाल अभी देख सकते हैं हमारे प्रोफाइल जो है अभी यहाँ पर लॉगिन जो है रिव्यू में गया है एप्लीकेशन एक तरह से। और नीचे में आप देख सकते हैं नीचे वाले ऑप्शन को चूज करेंगे तो आप ऐसे कंडीशन में 2 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं। बकायदा आपको यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करानी होगी, ठीक है, यानी आधार पैन के बेस पे तो लोन मिलेगा ही 25,000 का। लेकिन अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है तो आप इस तरह से अपने बैंक को यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। ओटीपी के बेस पे आप यहाँ पर इनकम प्रूफ डिटेल शेयर कर सकते हैं, ठीक है। या तो बैंक के स्टेटमेंट अपलोड करिए या फिर मोबाइल नंबर के साथ आपको यहाँ पर इस तरह से डेटा को फैच करना होगा। उसके बाद आपके सामने इस तरह से अकाउंट आ जाएंगे, कौन सा आप अकाउंट से डेटा फैच कराना चाहते हैं। उसके बाद नीचे से अप्रूव करिए और थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेट कर लेना है। तो ये दोस्तों कौन सी एप्लीकेशन है सब कुछ बताएंगे डिटेल्स में शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में दोस्तों बने रहें। तो दोस्तों एक छोटा सा प्रोसेस था जो कि मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया, हालांकि यहाँ पर देख सकते हैं फेल हो जा रही है क्योंकि ट्रांजैक्शन किया ही गया ही नहीं है जिस कारण से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपसे प्रोफेशनल डिटेल्स आपसे पूछे जाते हैं कि आप करते क्या हैं, तो सब कुछ यहाँ पर डिटेल में हम बताने वाले हैं। सबसे पहले समझिए कि एप्लीकेशन कौन है, कैसे ये काम करती है। दोस्तों मैं बात कर रहा था पीएमई इंडिया एप्लीकेशन के बारे में। अब ये एप्लीकेशन जो है आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी फर्म के जरिए से लोन प्रोवाइड कराती है। ये पहले भी लोन आपको प्रोवाइड कराती थी। मैं आपको बता दूं आज से 2 साल पहले मैंने इस एप्लीकेशन से लोन लेकर भी दिखाया था। अगर आप हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर होंगे तो आपको जरूर पता होगा। अगर आप प्रूफ देखना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैंने लोन लेकर दिखाया, स्टेप बाय स्टेप लोन की पूरा प्रोसेस बताया है। मैक्सिमम वहाँ पर मुझे याद है 10 से 15,000 रुपये का लोन लेकर दिखाया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ आधार पैन के बेस पे। अगर आप उस एप्लीकेशन से पूरा प्रोसेस देखना चाहते हैं और इस एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, पूरा मैंने कंप्लीट प्रोसेस बताया है। तो दोस्तों ये आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी फॉर्म के जरिए से ही आपको यहाँ पर लोन प्रोवाइड कराती है। सबसे अच्छी बात यहाँ पर दोस्तों क्या है कि आपको पेपरलेस डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपको लोन मिलता है। 3 महीनों से लेकर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 24 महीनों का समय मिलता है लोन भुगतान करने के लिए। आपको यहाँ पर 10 लाख रुपये तक का भी लोन मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों एलिजिबिलिटी अलग होने वाली है यहाँ पर, ठीक है। सब कुछ बताएंगे यहाँ पर, देख सकते हैं यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए लोन आपको मिलेगा, यानी टाइप्स ऑफ लोन की यहाँ पर बात किया जाए तो एक शॉर्ट टर्म लोन आपको मिलते हैं, तो दूसरा आपको यहाँ पर ईएमआई लोन भी आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी फॉर्म्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और इनकी लेंडिंग पार्टनर की बात किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके 5 ऐसे लेंडिंग पार्टनर है जिनके जरिए से आपका लोन यहाँ पर सेक्शन होगा। यहाँ पर देख सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के, यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर बुलेट लोन का एग्जांपल दिया जाए तो 1 टाइम रिपेमेंट आपकी यहाँ पर होगी। जैसे कि देख सकते हैं अगर 10,000 का लोन लेते हैं तो यहाँ पर प्रतिदिन यहाँ पर 0.10% यहाँ पर दोस्तों चार्ज करने वाली है 30 दिनों के अंदर में। और ऐसे देखा जाए एनुअल परसेंटेज रेट यानी कि साल का मैक्सिमम एनुअल परसेंटेज रेट क्या लगेगा, 113% लगभग यहाँ पर लगने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से एप्लीकेशन ने दोस्तों ये काम करती है। एप्लीकेशन के अंदर कैसे प्रोसेस होगा वो आपको पहले बता दे रहे हैं। एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल आपको यहाँ पर कर लेना है। उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल के साथ आप यहाँ पर वेरिफिकेशन करेंगे, अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आईडी प्रूफ देनी होगी जिसमें कि आधार कार्ड पैन कार्ड जो कि केवाईसी के लिए होगा देना होगा। उसके बाद आपके लिए यहाँ पर दोस्तों क्रेडिट लिमिट आपकी यहाँ पर असाइन किया जाएगा लेंडर के जरिए से, जिसमें कि अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर किसी भी एनबीएफसी के जरिए से आपका लोन सेक्शन यहाँ पर हो सकता है, यानी किसी भी लेंडर के जरिए से, जिसमें कि आप यहाँ पर देख सकते हैं किसी एक, जैसा कि आप देख रहे हैं 5 में से किसी एक एनबीएफसी फॉर्म के जरिए से आपका यहाँ पर लिमिट आपका साइन होगा। उसके बाद अगर आपका यहाँ पर सारे कंप्लीट प्रोसेस करते हैं तो लोन एग्रीमेंट यहाँ पर आपको साइन करनी होगी ओटीपी के बेस पे। जिस भी बैंक अकाउंट में आप पैसे को ट्रांसफर करना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, उस बैंक के साथ ई नैच या फिर ई मैंडेट नैच प्रोसेस कंप्लीट करानी पड़ती है, तभी जाके अपने बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी फॉर्म के जरिए से ये एप्लीकेशन ये लोन प्रोवाइड कराती है। इनकी आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अभी जाकर आप पर्सनल डिटेल चेक कर सकते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर दोस्तों लेने वाली है। तो यहाँ पर आपको बता दें यहाँ पर आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ साथ आपसे बैंक के स्टेटमेंट आपसे मांगती है,
प्रोफेशनल डिटेल आपको यहाँ पर दोस्तों शेयर करना होगा कि आप किस कंपनी में काम करते हैं या फिर किसी फॉर्म में काम करते हैं, तो वो चीज़ें डिटेल शेयर करनी होगी। डॉक्यूमेंटेशन की बात यहाँ पर दोस्तों ये है कि अगर आप यहाँ पर आधार पैन के साथ अगर आप लोन लेते हैं तो आपको छोटा लोन मिलेगा जिसमें कि 25,000 का लोन होगा। अगर आप बड़ा लोन लेना चाहते हैं तो 2,00,000 रुपये तक का भी लोन का लिमिट मिलेगा, लेकिन आपके साथ यहाँ पर इनकम प्रूफ की रिक्वायरमेंट होगी। ये चीज़ आपको प्रोवाइड कराना होगा, तभी जाके आप एलिजिबिलिटी रख पाएंगे और लोन ट्रांसफर कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं सिविल स्कोर की, तो यहाँ पर सिविल स्कोर कम से कम 650 होनी चाहिए, किसी तरह का सिविल में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये था पीएमई इंडिया, सारी जानकारी मैंने उम्मीद करता हूँ कि आपको दे चुका हूँ। एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी फॉर्म के जरिए से आपको यहाँ पर लोन प्रोवाइड करा, तो बड़ा लोन लेते हैं तो आपको इनकम प्रूफ यहाँ पर प्रोवाइड करानी होगी। अगर आप छोटा लोन लेना चाहते हैं तो आधार पैन के बेस पर जा सकते हैं, तो डिपेंड करेगा आपके ऊपर कौन से आपके लिए बेस्ट हो सकती है। अगर इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करना चाहते हैं, लाइव स्टे प्रोसेस देखना चाहते हैं, आधार पैन के बेस पर लोन लेना चाहते हैं, तो भाई इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, लाइव विद प्रूफ पेमेंट के साथ लोन लेकर दिखाया गया है, डिस्क्रिप्शन पार्ट जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, अच्छी वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।